हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। तो इंडिया जो रशिया की वोस्तोक 22 नेवल ड्रिल है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बिकॉज़ वो जापान की सेंसिटिविटी को हर्ट नहीं करना चाहता। वोस्तोक 2022 में पार्टिसिपेट कर रहा है इंडिया, बट सिर्फ मिलिट्री ड्रिल्स में, ना कि नेवल ड्रिल में। वो इसलिए क्योंकि जो नेवल ड्रिल्स है वोस्तोक 2022 की, वो सी ऑफ जापान में हो रही है, वेरी वेरी नियर टू जापान। एंड दूसरी बात, डिस्प्यूटेड एरिया में हो रही है। तीसरी बात, इससे जो जापान की सिक्योरिटी है उसको बहुत बड़ा खतरा है। यूक्रेन का इन्वेजन देखने के बाद जापान को वैसे भी डर है कि कहीं रशिया और चाइना मिलकर जापान को इन्वेड ना कर दे। तो ऑफकोर्स यहाँ से इंडिया ने बैक ऑफ कर लिया है। इंडिया ने बोला है कि हम सिर्फ मिलिट्री ड्रिल में पार्टिसिपेट करेंगे और ना कि नेवल ड्रिल्स में। अब इंडिया ने ये स्टेप क्यों लिया, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और चाइना जापान और रशिया जापान के बीच में क्या इश्यू है ये भी डिस्कस करेंगे। रशिया का हमारे इस फैसले पर क्या टेक हो सकता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये जो मल्टीनेशनल मिलिट्री ड्रिल है ये सेप्टेम्बर 1 से लेकर 7 तक होगी। अब इस एक्सरसाइज में बहुत सारी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें रशिया तो ऑफकोर्स है, क्योंकि रशिया तो इसको होस्ट ही कर रहा है। बाकी उसके अलावा चाइना, ताजिकिस्तान, सीरिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड लाओस, और इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है, बस नेवल ड्रिल को नहीं कर रहा है, सिर्फ मिलिट्री ड्रिल में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब अगर हम बात करें रशिया की, तो रशिया की ये पहली मिलिट्री ड्रिल है यूक्रेन पे को इन्वेड करने के बाद। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये जो ड्रिल है ये कुरिल आइलैंड्स में हो रही है, और कुरिल आइलैंड्स जो है, एक तो वो जापान के बहुत पास है, और दूसरा दोनों कंट्री इस एरिया को क्लेम करती है। दैट मींस ये डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन जापान एंड रशिया, और इसके ऊपर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं बिटवीन द टू कंट्रीज़। ओके, सो टोक्यो ने अपना कंसर्न जताया था मॉस्को को, रशिया को, कि भाई ये जो आप कर रहे हो एक्सरसाइज, ये बहुत क्लोज है हमारी टेरिटरी के, और हम अनकंफर्टेबल है इसके यहाँ होने से, सो प्लीज़ थोड़ा देख के अपना जो लोकेशन है वो चेंज वगैरह कर लो। और इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी होना शुरू हुए थे जापान में, लेकिन रशिया ने एक भी नहीं सुनी, उसने प्रोटेस्ट पे भी ध्यान नहीं दिया, एंड दे जस्ट वेंट अहेड विद द ड्रिल। ठीक है, और उन्होंने वहीं करी जहाँ उनका मन था। अब जापान और रशिया की बात करें अगर हम, तो अगेन कुरिल आइलैंड इनके बीच में डिस्प्यूटेड है। जापान कहता है ये उसकी टेरिटरी है, रशिया कहता है ये उसकी टेरिटरी है। तो बेसिकली अभी दोनों ही किसी पीसफुल रेजोल्यूशन नहीं लिया है दोनों ने कुछ भी, दोनों के बीच में कोई पीस अकॉर्ड नहीं है, और यही सबसे बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न बन जाता है। अब कुछ दिन पहले की ये न्यूज़ है, रशिया ने बोला था कि हम सस्पेंड करते हैं जो डील हुई थी जापान के पास फिशिंग के लिए इस कुरिल आइलैंड्स में। रशिया ने इसको एक्सप्लेन करते हुए बोला कि इस डील के मुताबिक टोक्यो को, यानी जापान को, फिशिंग के लिए पेमेंट्स करनी थी, जो कि वो करने में फेल हो गया है, और इसलिए हम ये डील सस्पेंड करते हैं दोनों के बीच में। अब अगर चाइना जापान की बात करें, देखो सबसे पहले तो इन दोनों के बीच वैसे ही बहुत पुराने टाइम से डिस्प्यूट्स हैं, और वो आज तक भी हैं, कोई ऐसा पीसफुल रेजोल्यूशन इन दोनों के बीच भी नहीं हुआ। दूसरी बात, जब सिनो जापानीज वॉर हुई थी तभी से इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। उस टाइम पे जापान पावरफुल था, तो जापान ने चाइना को दबाया था। अब चाइना थोड़ा सा पावरफुल हो गया जापान से, तो चाइना सोचता है कि वो जापान को थोड़ा प्रेशर में ले ले। तो इन दोनों के बीच तो ऑफ कोर्स कोई भी ऐसा पीसफुल चीज़ नहीं है। दूसरी बात, चाइना ने अभी जब ताइवान और चाइना का इश्यू चल रहा था, तब भी चाइना ने जापान के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें कुछ मिसाइल्स भी फायर करी थी, और फिर बोल दिया था कि कोई टेरिटरी डिसाइड नहीं हो रखी है, तो आप भी चिल रहो हम भी चिल रहते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, फिर ये जो न्यूज़ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये भी कुछ दिनों पहले की है। चाइनीज़ के कुछ मिलिट्री ड्रोन्स स्पॉट हुए थे नियर ओकिनावा, जिसकी वजह से जापान ने अपनी एयरफोर्स को अलर्ट रहने के लिए बोल दिया था। तो ऑफकोर्स चाइना जापान के बीच तो इशू की भरमार है। अब क्वेश्चन हमारा ये है, चाइना जापान के बीच के इशू भी देख लिए, रशिया जापान के बीच के भी देख लिए, अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया क्यों चाहता है कि एक बैलेंस क्रिएट हो पाए उसके जो रिलेशन्स है विद रशिया
और उसके जो रिलेशंस हैं विद जापान, तो कई सारे रीजंस हैं, सारे मैं डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले हम रशिया को ले लेते हैं। सबको पता है कि काफ़ी दिनों से, जब से ये यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है, तब से ही इंडिया को क्रिटिसाइज़ करा जा रहा है कॉन्टिन्यूसली बाय डिफरेंट कंट्रीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद भी इंडिया ने कोई भी ऐसी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं दी है अपनी साइड से जो रशिया के जो एक्शन है उनको कंडेम कर पाए और यूक्रेन की साइड ले पाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करा है। दूसरी बात, रशिया के साथ हमारी बहुत पुरानी पार्टनरशिप है, एवरीबडी नोज दैट। हम रशिया पर, जो पुराने टाइम में सोवियत यूनियन था, उस पर भी बहुत मिलिट्री जो हार्डवेयर है, जो वेपन्स है, इन चीज़ों के लिए भी काफ़ी डिपेंडेंट रहे हैं और रशिया ने भी हर टाइम पे हमारी मदद करी है। अब जो US सैंक्शन लगा रहा है रशिया पे, हमने उनको भी साइड में रखते हुए, उनको भी ना मानते हुए, रशिया के साथ जो ट्रेड है वो कंटिन्यू रखा और इवन आई वुड से हमने इंपोर्ट्स बढ़ा दिए ऑयल और कोल के। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हमारी जनता की, जैसा कि जयशंकर जी ने भी बोला था कि हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी जो कंट्री है, उसको नीड है कि उसको सस्ती चीज़ें मिले, तो इसलिए हम सस्ता ऑयल ख़रीदते हैं रशिया से और हमने इसका जो इम्पोर्ट है वो इंक्रीज़ कर दिया था, कर रखा है बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस रशिया यूक्रेन वॉर, क्योंकि रशिया को ज़रूरत है तो वो अपना एक्सपोर्ट कर रहा है। अब ये तो हो गई रशिया की बात कि ठीक है, हमने प्रूव कर दिया हमारे रशिया के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, तो हम वो स्टॉक 2022 से बिल्कुल मना भी नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने मिलिट्री ड्रिल में हमें जाना है, ठीक है। लेकिन अब नेवल में क्यों नहीं गए जब मिलिट्री में गए? आप जापान के साथ रिलेशन देखो। सबसे पहला, जापान जो है वो इंडिया का पार्टनर है क्वाड में, जो कि एक फोर नेशन कोलिशन है जिसमें कि इंडिया, जापान, US और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये बेसिकली चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है बिकॉज ऑफ इट्स एग्रेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। दूसरी बात, जापान और इंडिया के बीच सितंबर 2020 में एक मिलिट्री लॉजिस्टिक शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत ये बोला गया था कि दोनों कंट्रीज़ को जैसे मिलिट्री एक्सरसाइजेज में वेपन्स की, इक्विपमेंट्स की, जो भी चीज़ों की ज़रूरत होगी वो हम शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। और थोड़ा सा अगर हम पास्ट में देखें तो जापान ने प्रूव करा है टाइम टाइम पे कि वो हमारा एक बहुत प्रॉमिसिंग अलाई है इन एवरी सिचुएशन, जब भी हमें नीड हुई है। इवन अरुणाचल प्रदेश को भी जापान ने बोला था कि एक इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का और वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कराने के लिए भी उन्होंने हमें लोन दिया था और बेसिकली हेल्प करता है काफ़ी जापान हमारी, ठीक है। और इंडिया और जापान के बीच 2+2 डायलॉग होता है, 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग, जिसमें कि हमारे इधर से दो मिनिस्टर्स और उनके उधर से दो मिनिस्टर्स आते हैं और चीज़ों पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। इस बारी ये जो 2+2 डायलॉग है, ये सितंबर 8 को होना है, जिसमें कि हमारे यहाँ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जाएंगे और उधर से उनके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर होंगे और वो दोनों बैठ के बातचीत करेंगे, जो चीज़ों का सोल्यूशन निकालेंगे, जो भी इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे एंड एवरीथिंग ऑफ दैट कॉन्टेक्स्ट, यू नो। सो देखो, सेप्टेम्बर 1-7 आप नेवल ड्रिल करके जापान के पास, मतलब कुछ ऐसा काम करके जिसके कि बिल्कुल अगेंस्ट है जापान और वहाँ पे प्रोटेस्ट भी हुए हैं इसके अगेंस्ट, फिर आप 8 सितंबर को जाके नेक्स्ट ही दिन कैसे अपना मुंह दिखाओगे? तो इसलिए एकदम सही टाइम पे इंडिया ने सही फैसला लेते हुए रशिया के साथ भी रिलेशंस प्रूव कर दिए और जापान के साथ भी, पूरा वोस्तोक को मना भी नहीं करा और जापान को भी हर्ट नहीं करा, ठीक है। दोनों कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस हमारे अच्छे हैं तो हमें बैलेंस करना भी पड़ेगा। आई होप ये इस वीडियो से आपको क्लियर हो भी गया होगा। अब क्वेश्चन अगर ये उठता है कि रशिया को हमारे इस मूव से दिक्कत होगी कि नहीं, तो उस केस में रशिया को ये समझना चाहिए कि जब हर कोई रशिया के अगेंस्ट खड़ा हुआ, रशिया को कंडेम कर रहा था, हमने उस टाइम भी अपना मुंह बंद रखा, कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी जो अगेंस्ट रशिया हो, ना ही उनके साथ ट्रेड जो थे उन पे सैंक्शंस लगाए, ना ही US के सैंक्शंस को माना, तो हम बेसिकली अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने तरीके से चलाते रहे। तो अभी भी हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने तरीके से ही चलाएंगे, जैसे हम उनके रिलेशंस जो है चाइना के साथ उसको क्वेश्चन नहीं करते हैं, वैसे ही रशिया को भी हमारे जो रिलेशंस हैं विद डिफरेंट कंट्रीज़,
बीट विद US, बीट विद जापान, बीट विद ऑस्ट्रेलिया, किसी भी कंट्री के साथ उसको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, ठीक है? आपके क्या टेक है इस चीज़ पे आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा. एंड दिस वाज द वीडियो फॉर यू. आई होप यू लाइक दिस. इफ़ यू डिड प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय.